सुबह 4:30 बजे बेडरूम में गोली मारकर कांग्रेस नेता पूर्व पार्षद गुड्डू कलीम की हुई हत्या, पत्नी सहित दो आरोपी गिरफ्तार। हत्या का मामला हुआ था, उसमें क्या खुलासा हुआ है? सुबह 4:30 बजे नीलगंगा थाना अंतर्गत गुड्डू कलीम भी है, ये 20 साल पूर्व पार्षद रहे और इनके 31 आपराधिक रिकॉर्ड है। इनकी हत्या इनके बेडरूम में ही गोली मारकर कर दी गई थी। तत्काल पुलिस ने इसमें संज्ञान लिया और उसमें 4 आरोपियों को अरेस्ट किया गया, जिसमें इनकी पत्नी, एक बेटा और उसके 2 अन्य साथी हैं जो अभी अरेस्ट कर लिए हैं। इनका एक अन्य बेटा जिसने गोली मारी और उसका एक साथ। कांग्रेस नेता पूर्व पार्षद व होटल व्यवसायी गुड्डू कलीम की शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने पत्नी, पुत्र और उसके 2 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। एक बेटा व परिचित फरार है। करोड़ों रुपए की संपत्ति के विवाद के चलते की गई थी हत्या, जिस पर पत्नी और बेटे को गिरफ्तार कर लिया। SP प्रदीप शर्मा ने बताया कि घटना उस समय की है जब 60 वर्षीय कलीम घर की पहली मंजिल पर बने कमरे में सो रहा था। इस दौरान उसे गोली मारी गई। परिवार के लोगों ने पत्नी नीलोफर उर्फ भूरी तथा पुत्र दानिश तथा आसिफ उर्फ मिंटू पर गोली मारने के आरोप लगाए। विवाद को लेकर हत्या करने का मामला सामने आया है। संवाददाता संजय शर्मा। हत्या का मामला हुआ था, उसमें क्या खुलासा हुआ है? सुबह 4:30 बजे नीलगंगा थाना अंतर्गत गुड्डू कलीम भी है, ये 20 साल पूर्व पार्षद रहे और इनके 31 आपराधिक रिकॉर्ड है। इनकी हत्या इनके बेडरूम में ही गोली मारकर कर दी गई थी। तत्काल पुलिस ने इसमें संज्ञान लिया और उसमें 4 आरोपियों को अरेस्ट किया गया, जिसमें इनकी पत्नी, एक बेटा और उसके 2 अन्य साथी हैं जो अभी अरेस्ट कर लिए हैं। इनका एक अन्य बेटा जिसने गोली मारी और उसका एक साथी अभी फरार है, जिसके लिए हमारी पुलिस टीम लगी हुई। मूलतः फैमिली में प्रॉपर्टी का विवाद है, जिसको लेकर पत्नी और दोनों बेटों ने मिलकर ये पूरा प्लान किया था। एक बेटे ने घर के दरवाजे खोले और पत्नी ने बेडरूम का दरवाजा खोला। एक जो दूसरा बेटा है वो एक अन्य आरोपी के साथ आया और बेटे ने ही पिता में केसर में गोली मारी।